हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कच्चा चूड़ा वाला जो वीडियो था, आपने तो पूरा उसको फैला दिया है। और जो भी नए लोग मुझसे जुड़े हैं, सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो कि अभी अपने इंडियन डिशेस पे हम बातें कर रहे हैं, तो आज हम ऐसा ही कुछ नए डिश लाए हैं। क्या है वो नई डिश? नई डिश नहीं बोलेंगे उसको, हम आइटम बोलेंगे। आइटम है, एक चीज है। शायद उसी चीज से हर इंडियन की एक शुरुआत होती है, बेसिकली, है ना। शुरुआत होती है सुबह, दोपहर को, कोई कोई तो रात को भी। तो ये चीज इतनी फैल गई है, एक आदमी उसको दिन में भी बार पी सकता है, जब भी मन करे मना भी नहीं कर पाएगा। सही बात है। चीज है तंदूरी चाय। तो तंदूरी चाय बेसिकली हमारे नागपुर की सबसे पहली बार नागपुर में जहाँ पे तंदूरी चाय आई थी, हम वहाँ का वीडियो लेके आए हैं आपके पास। अभी सीधा लेके चलते हैं आपको हमारे तंदूरी चाय के लोकेशन पे। Thank you.
हेलो अंकल नमस्ते। आप बताइए कि आपका ये जो तंदूरी चाय का जो बिजनेस है वो आप कब से आपने स्टार्ट किया है और कैसा चल रहा है आपका? लगभग ये तंदूरी चाय का बिजनेस जो है लगभग 3 साल हो गए और ये अच्छा चल रहा, अच्छे रिस्पांस है। हम डेली के 800 से 1200 रेशो में हमारा ये बिकता है, 800 से 1200 हर दिन हर ग्राहक आता है। इसमें हम बुलेट मिली है, अश्वगंधा, ये सब इसमें ऐड करके लोगों का मिल चुका है। आपके यहाँ पे YouTube वीडियो बनाने के लिए बहुत लोग आते होंगे, आपको कैसा लगता है? आप फिर वीडियो बनाने देते हो? अच्छा लगता है क्योंकि दूर दूर से नागपुर के कोने कोने से लोग आते हैं तो बोलते हैं सर ऐसा है तो आपके तंदूरी चाय में मिलता है। हाँ, गर्म पेट में भी बोलते हैं कोई लोग क्या वहाँ पे मशीन में ही चाय गर्म करते हैं और डायरेक्ट कूलर में डालते हैं, तुम्हारे यह पूरा नेचुरल है, तो यह सुन के बहुत अच्छा लगता है। और चाय पी के जो भी कस्टमर आता है चाय पी के जब चाय पीता है तो पूरा संतुष्ट होता है। सही बात है। और आपको ये बात पता नहीं होगी, एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है फ्लाइंग डिस्क नाम के, जो तकरीबन 1-2 साल पहले उन्होंने बताया था उनके ब्लॉग में कि वो आएंगे यहाँ पे, उन्होंने एड्रेस दिया था लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, अगर वो जरूर अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचे तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो आने वाले। हिंदी में तो बहुत बात कर ली, थोड़ा सा अभी महाराष्ट्र गए तो मराठी में बात करके देखते हैं। तर काका, तुमच्या एरिया मध्ये तुम्ही बघाल तर कितके सारे चहा वाले आहे, इराणी चहा हे ते, तुमचा जो हे तंदूरी चहा आहे तो खूप सिद्ध आहे इथे तिरंगा स्क्वेअर मध्ये, तर हे तुम्हाला आयडिया कसा आला तंदुरी चहा बनवायला पाहिजे, जे काहीतरी हटके आहे बा, म्हणजे तुम्ही असं काय विचार केला? म्हणजे काका जे आहे त्यांचे पुण्याला गेले होते, पुण्यावरून त्यांनी ते त्यांना एक आयडिया आली की आयडिया आली काय हे जर आपण नागपूरमध्ये जर चालू केलं तर आपल्याला खूप रिस्पॉन्स भेटेल। बरोबर आहे, काहीतरी हटके आहे, काही हटके आहे आपल्या, आपण ज्या ह्याच्या एरियामध्ये राहतो असं काही हटके काहीच नाही, त्याच्यामुळे मग आपण पुण्यावरून जाईल ते आयडिया आणला आणि आपण चालू केलं आणि खूपच प्रॉपरली एक्झिक्यूट झालाय हे दिसत आहे आपल्याला, लोकांना दिसत बी आहे, रिस्पॉन्स सुद्धा झाला। बरोबर। तर काका, तुमच्याकडे तंदुरी चहाची काय काय व्हेरायटी आहे, म्हणजे किती व्हेरायटी आहे? एक तंदुरी चाय मिळते, त्याच्यानंतर एक तंदुरी कुल्हड आहे, तंदुरी कॉफी आहे, बासुंदी चाय आहे, तंदुरी बासुंदीची आहे, तंदुरी महाराजा चाय आहे, केसर बदामवाला जे दूध आहे मेवा दूध सुद्धा ठेवतो, त्याच्यामुळे लोकांचा बहुत बढिया। लाईक बढिया। क्या आपके चाय में तंदूरी चाय है? अबे क्या आपके टूथपेस्ट में तंदूरी चाय है?